हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि शिक्षण विधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो यह सी टी टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में किसी भी टी टी, अगर आप किसी भी टी टी का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण के लिए हमें विभिन्न शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय की विभिन्न विधियों का न केवल ज्ञान ही होना चाहिए अपितु उसे उसका प्रयोग भी कुशलतापूर्वक करना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक आपको ऐसा मिलेंगे कि उनके पास ज्ञान का कोई कमी नहीं रहता है, ज्ञान का बिल्कुल भी अभाव नहीं होता है, लेकिन विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पाने के कारण उनका शिक्षण सही तरह से नहीं हो पाता है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को किसी भी शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला है शिक्षण विधि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली तथा वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण देने वाली हो। तीसरा है शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने वाली हो, अर्थात विद्यार्थी की योग्यता स्तर रुचि तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। चौथा है सजीव वातावरण बनाने में सहायक हो, अर्थात प्रजातांत्रिक विधि हो जो विद्यार्थी के अंतःक्रिया के अधिकाधिक अवसर देने वाली है, वह उत्साहवर्धन बढ़ाने वाली हो ताकि बच्चे उत्साह के साथ पढ़े। पांचवा है करके सीखने के सिद्धांत अर्थात क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चे अगर करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान ज़्यादा टिकाऊ होता है। छठा है कम समय लेने वाला तथा प्रभावी हो, साथ ही ज़्यादा समय भी ना ले और प्रभावी भी हो। सातवां है शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए, अर्थात उसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके, और ऐसे शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिसमें व्यवहारिकता हो और उसको बहुत आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। आठवां है शिक्षण विधि को गतिशील होना चाहिए न कि स्थिर, और शिक्षण विधि को हमेशा गतिशील होना चाहिए, उसको स्थिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नौवां है वह विद्यार्थियों के मानसिक गुणों के साथ साथ शारीरिक सामाजिक तथा संवेगात्मक गुणों का विकास करने वाली अर्थात सर्वांगीण विकास के अवसर देने वाली हो। दसवां है शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से सरल व स्पष्टता लाने वाली हो, जिससे शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ईमानदारी और आत्मविश्वास से शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले तथा विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति दूर करने वाली हो। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियोस में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊँगी जो आपके सी टी टी एग्ज़ाम, साथ में किसी भी टी टी एग्ज़ाम के लिए, बी एड एग्ज़ाम, डी एल एड एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।